इफ 1111 इज इक्वल टू आर, 2222 इज इक्वल टू टी, देन वी हैव द रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस ऑफ द क्वेश्चन. ये कोडिंग एंड डिकोडिंग से बेस्ड क्वेश्चन है. टॉपिक का नाम है कोडिंग डिकोडिंग. अब कोडिंग डिकोडिंग के साथ यार अगर प्रॉब्लम मैं बोलूँ तो ये है कि कोडिंग डिकोडिंग कुड बी एनीथिंग. किसी ने भी किसी एलिमेंट्स को किस तरीके से भी इंटरचेंज कर दिया और एक कोड बना दिया. तो इसके क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं इस कोड को आइडेंटिफाई करने के लिए. जैसे यहाँ पे मेरे पास ये चार एग्जाम्पल्स गिवन है बेस्ड ऑन विच मैं से इन इंफॉर्मेशन को रीड करूँगा, एनालाइज करूँगा और कोड फाइंड आउट करने की कोशिश करूँगा. एक बार ही मुझे कोड समझ में आ गया तो मैं उस कोड के थ्रू लास्ट वाले को आंसर करने की कोशिश करूँगा. ऑलराइट, तो लेट्स सी यहाँ पे क्या बन रहा है. सो 1111 ये आर बन रहा है. अगर मैं 1111 ऐड कर दूँ तो इट इज़ 4. और अगर मैं आर के न्यूमेरिकल कोड पे जाऊँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर मैं ए बी सी डी ई एफ अप टू जेड लिख रहा हूँ तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये 1 2 3 4 और ये 26 नंबर पे आएंगे. तो ये इनके लिए नंबर कोड्स बन गए इन लेटर्स के लिए. तो आर के लिए कोड क्या बनता है, क्यू आर एस टी. टी के लिए कोड होता है 20, तो आर के लिए कोड बन जाएगा 18. लेकिन आप देखो यहाँ पे अगर मैं इन्हें ऐड भी कर दूँ, मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी ये 4 ही बन रहे हैं. तो 18 का कोरिलेशन नहीं बन पा रहा है. नेक्स्ट मैं अगर इसे ऐड करूँ 2 2 2 2 तो ये बन रहा है एज टी. और इसको ऐड करने पे वी हैव 8, लेकिन यहाँ पे बन रहा है टी और टी के लिए कोड होता है 20. न्यूमेरिकल वैल्यू पे अगर मैं जाऊँ मुझे ये समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू से ये रिलेशन तो नहीं बन रहा है. लास्ट अगर मैं देखूँ नेक्स्ट वन तो दैट इज़ 3 3 3 3 और इनके लिए कोड बन रहा है ई. और 3 3 अगर मैं ऐड भी करूँ तो ये बन रहा है 12. पहला वाला बन रहा है 4, नेक्स्ट बन रहा है 8, नेक्स्ट बन रहा है 12. बट एलिमेंट्स आप देखो कोई रिलेशन नहीं है इनके बीच में. इन तीनों के बीच में कोई पैटर्न है क्या? इसके लिए कोड है 18, इसके लिए कोड है 20, इसके लिए कोड है 5. अगर मैं अल्फाबेटिकल कोड्स की बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम ए एज 1, बी एज 2, तो ये सारे कोड्स बन रहे हैं. आप देखो इन नंबर्स में कोई रिलेशन फाइंड आउट ही नहीं हो पा रहा है. अब मैं क्या करूँगा, मुझे देखना है 4, मैं कुछ और यूज़ करूँगा जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होता है. जैसे अगर मैं 4 को लिखने की कोशिश करूँ इन टर्म्स ऑफ लेटर्स तो दैट वुड बी एफ ओ यू आर. ये लास्ट लेटर इसका आर है, यहाँ पे वैल्यू भी आर है. नेक्स्ट अगर मैं 8 लिखने की कोशिश करूँ इन द सेम ऑर्डर ई आई जी एच टी तो यहाँ पे भी लास्ट वाला एलिमेंट इज माय आंसर. 12 इज रिटन एज टी डब्ल्यू ई एल वी ई और लास्ट वाला एलिमेंट इसका आंसर है. तो ये मेरे लिए कोड बन गया. अब मुझे बस इसी कोड को अपने क्वेश्चन में अप्लाई करना है. दैट इज़ 5 5 5 5. सम करोगे कितना बनेगा, 5 + 5 + 5 + 5 दैट इज़ 20. 20 को आप कैसे लिखोगे, टी डब्ल्यू ई एन टी वाई. तो क्या बनेगा आपके लिए आंसर, इट शुड बी वाई. ऑप्शन डी सीम्स टू फिट इन. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन.